हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूँ गौरव कुमार। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लड़कों का, मेरे भाइयों का, ठीक है, जो भी हमारे इस ग्रुप से जुड़े थे, उन लोगों का मेडिकल अब बाकी बचा है, फिजिकल हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया से वो लोग क्वालिफाई कर लिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेडिकल के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में आँख के बारे में बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो मतलब हर चीज़ के बारे में सही से नहीं बता पाते, वीडियो लंबा भी हो जाता है और आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। मेनली इसमें मैं जो लेटर्स पढ़वाए जाते हैं, आँख का जो टेस्ट होता है, हाइट का टेस्ट जो होता है, कितनी दूरी से कराया जाता है, ठीक है, कौन कौन सा लेटर कितना होना चाहिए, और सबसे प्रमुख बात मैं बताऊँगा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो उसमें मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस आपको है या नहीं है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ इमेज आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है, उसको आप देखिए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके, मतलब कि उतना ही टाइमिंग पर मैं इमेज को हटाता रहूँगा, ठीक है, जितना देर आपको वहाँ पर टाइमिंग देता है पढ़ने के लिए, उतना ही टाइमिंग मैं दे दूँगा, उतना ही टाइम पर आप उसको पढ़िए। लेटर्स कुछ लिखे रहेंगे या कुछ मतलब अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा, आप उसको देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको देखिए और जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसमें कौन सा लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तुरंत तुरंत इसको कमेंट कर देना है, ठीक है। जो देखे आपको जो लेटर्स दिखाई दे रहा है वो देख लीजिए अच्छा से, और तुरंत उसको कमेंट कीजिए कि क्या लिखा हुआ है। चलिए फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या करना है, नहीं करना है, आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, ठीक है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, बस आपको देखना है, ज़्यादा नहीं, बस तीन चार इमेज में शो करूंगा, उसी में आपको बता देना है कौन सा लेटर लिखा हुआ है, और इसको कमेंट में जरूर कमेंट जरूर कीजिए। देखिए बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। और एक बात मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, ठीक है। बहुत ही खुशी का बात है कि मैंने पहली बार ऐसा कोशिश किया और इतने सारे भाइयों का फिजिकल, मतलब मेरी बातों से मोटिवेट होकर वो लोग मतलब कि अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लिए। आप लोग भी चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी बहुत वीडियो आएगा, पूरे पार्ट्स पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। चलिए इसको बताते रहिए क्या लिखा हुआ है इसमें। आप अभी पूरे एक आँख के बाद आपको मतलब कि कान पे, दांत पे, ठीक है, चेस्ट, हाइड्रोसील, ये क्या बोलते हैं, पाइल्स, इन सब चीज़ का जो जो मतलब मेडिकल में टेस्ट होता है ना, वो सब के बारे में एकदम पार्ट बाय पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आपका कमेंट अगर हो गया हो, ठीक है, तो इसका आंसर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे जैसे जो जो इमेज आया है सबका, मतलब कि यहाँ पर मैं लास्ट में अब आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका इस हिसाब से नहीं है तो समझ लीजिए कि आपको मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। अगर आंसर नहीं मिला आपका तो समझ लीजिए कलर ब्लाइंडनेस है, और कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो है मतलब कि परंपरागत बीमारी जैसे होता है ना, कि पूर्वजों द्वारा वो उस टाइप का है, तो इसका इलाज नहीं है, ठीक है। इलाज होगा भी तो बहुत रेयर केस, बहुत मुश्किल होगा और काफ़ी मतलब कि खर्च हो सकता है। तो मैं सीधा सा सिंपल सा बात यही कहूँगा, ठीक है, अगर आपको अभी मतलब आंसर देख के अभी आपको लग गया होगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप दूसरे जॉब का तैयारी कीजिए भाई,
ठीक है, मतलब आपको लगभग 10 से 12 मीटर की डिस्टेंस से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऐसा मान लीजिए ना, 8 कदम की दूरी पर से कराया जाएगा, जिसमें सबसे जो नीचे वाला लाइन होता है, आप मेडिकल आँख का एक बार प्राइवेट से इलाज करवा लीजिएगा डॉक्टर से, ठीक है, दिखवा लीजिए जा करके आज ही। तो उसमें है कि आपको मतलब सबसे नीचे वाला लाइन 6x5 होता है, या ध्यान सुनिए, नीचे वाला लाइन 6x5, उसके ऊपर वाला 6x6, उसके ऊपर वाला 6x9, आपका एक आँख 6x6 और दूसरा 6x9 होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो इतना बात आप समझ में आ गए। फिर भी अगर अभी भी आँख के बारे में कोई डाउट है, मैंने आँख के बारे में सिर्फ यही दो चीज़ बातें हैं मेनली, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर डाउट आपका क्लियर हो गया हो तो मतलब अच्छी बात है, और अगर नहीं क्लियर हुआ तो मतलब कि जो भी डाउट आ रहा है उसको आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।